मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरसिंहपुर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे और ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की समाधि पर माथा टेका। सीएम शिवराज ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को याद करते हुए कहा कि वे भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की त्रिवेणी थे। उनके ब्रह्मलीन होने से आध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। वे महान देशभक्त थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया और 19 महीने जेल में रहे। वे दीन दुखी, दलितों और शोषितों के लिए कार्य करते रहे और अनेकों सेवा के कामों का संचालन किया। वे समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण और गौ रक्षा जैसे विषयों में जगाने का कार्य करते रहे। तीन मार्ग हमारे संतों ने, ऋषियों ने बताए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे। परम पूज्य ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज बचपन से ही उद्भट विद्वान, वैराग्य की वृत्ति, 9 साल की आयु में ही घर छोड़ दिया, लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पिपासा तो शांत की ही उन्हें, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। 19 महीने जेल रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, विश्व कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के माध्यम से ही वो कल्याण हो सकता है, उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो दीन दुखी और दलितों के लिए, स्वस्थों के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहे, चाहे झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजातियों के कल्याण के काम हो, वो सदैव करते रहे। चिकित्सालय, विद्यालय, सांस्कृतिक संस्कृत पाठशाला और अनेकों सेवा के कामों का भी सदैव उन्होंने संचालन किया। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और गौ रक्षा जैसे विषयों पर हमेशा उन्होंने देश को जगाने का काम किया। अध्यात्म जगत के सूर्य का, अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी ज्योतेश्वर में पहुंचे और कहा कि मुझे महाराज जी के समाधि के समय जो अवसर प्राप्त हुआ वो बड़े सौभाग्य की बात है। आज वो चिन्मय जीवन में प्रवेश करने की जो हमारी सनातन परंपरा है, संत परंपरा में ये चीजें सिर्फ लौकिक नहीं होती, और मैं मानता हूँ कि आज से उनकी चिन्मय यात्रा शुरू होगी जो हमारी संत परंपरा में चलती है, और एक शताब्दी का उनका चैतन्य स्वरूप और उनका रास्ता वो हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला है। मैं जब से मैंने होश वाला बचपन से, तो मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन के 60 वर्षों में 30-30 वर्षों का विभाजन हो सकता है, लेकिन मुझे समाधि के समय जो अवसर मिला आज के दिन उपस्थित ही, मैं मानता हूँ कि हमारी इसका सौभाग्य भी मुझे मिला। स्वाभाविक है कि मैंने उत्तम भी कहा था और आगे कहता हूँ कि शायद वो शुभ अवसर मेरे आदरणीय पिताजी श्री की साधना के कारण मुझे प्राप्त हुआ, और आज हम सबके लिए वो गौरवान्वित करने वाला दिन है जो आने वाली पीढ़ियां इसको स्मरण करें। इस अवसर पर कई भक्त मौजूद थे।